हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक फोनेटिक्स। एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वर्ड्स, हाउ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इज इम्पोर्टेंट एंड रेलेवेंट इन प्रेजेंट सिनेरियो। I am Dr. S.R. Bhargav, Department of English, Associate Professor. Phonetic transcription has been suggested earlier, and how the symbols, how we use these words into transcription. हमने जैसे देखा कि phonetics किस प्रकार से एक modern age में एक fashion बन गया है, और इसकी जो एक्यूरेसी है, बोलने का जो टेक्निक है, टोन है, रिद्म है, किस प्रकार से हमें इम्प्रेस करती है, हम दूसरों को इम्प्रेस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार से फोनेटिक्स का पहले अर्थ समझिए। फोनेटिक्स होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, स्पीच साउंड्स। भाषा में जो स्पीच साउंड्स होते हैं, किस प्रकार से कोई शब्द बोला जाता है, बोलने में कौन सी चीज़ें अवॉइड की जाती हैं, बोलने के दौरान कौन से वोवल्स, कौन से व्यंजन कॉन्सोनेंट्स को हम यूज़ करते हैं। जैसे हम आर जो लेटर है बीच में आता है तो इसको अवॉइड करते हैं, लास्ट में आता तो भी अवॉइड करते हैं, कई जगह हम इसका यूज़ करते हैं। कई जगह ज़्यादा फोकस स्ट्रेस के साथ यूज़ किया जाता है। कहने का मतलब है कि वोवल्स और कॉन्सोनेंट की जो स्पीच साउंड है वही फोनेटिक्स है। फोनेटिक्स को हम हिंदी भाषा से जोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे हम हिंदी भाषा में शुरुआती दिनों में बारखड़ी सीखते हैं, कोई अक्षर शब्द बारखड़ी के रूप में लिखते पढ़ते हैं। रिटन एंड वर्बल, लिखने और बोलने में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है लिपि, किस प्रकार से हम शब्दों की ध्वनि को लिख कर समझाते हैं, दैट्स कॉल्ड फोनेटिक्स। जैसे एक चार्ट है, इस चार्ट में ये समझाया गया है कि ए आ ई ई ऊ ए आई ओ औ, इन हिंदी के शब्दों को अगर हम बोलने के उच्चारण के दौरान बोलें तो जैसे इसमें दे रखा है आई और आई, एक होता है बड़ी मात्रा आई की, एक होती है छोटी मात्रा आई। जैसे हम सिप बोलते हैं, सिप यानी जहाज, सिप में इप छोटी ई की मात्रा है तो हम आई केवल अकेला लगाएंगे। और अगर हम सिप को सीप बोलते हैं, भेड़ सीप, तो देखिए डबल ई के नीचे एक अंडरलाइन किया हुआ है, इसको हमने आई के साथ में दो विसर्ग लगा दिए गए, थोड़ा सा इसको हैवी बना दिया गया, थोड़ा सा इसको पावरफुल बना दिया गया, थोड़ा सा इसमें बोलने की गति वो स्लो हो गई है। तो सीप और सिप में डिफरेंस यही है कि इसमें हमें केवल फिलहाल वोवल्स स्वरों पे जोर देना है, न कि कॉन्सोनेंट पे। सीप में डबल ई मिलकर आई और दो विसर्ग ई की, बड़ी ई की ध्वनि देते हैं। सिप में केवल आई है तो छोटी ई की मात्रा है ई, सिप केवल आई पे नीचे अंडरलाइन है इप सिप। वैसे ही गुड और शूट, गुड में डबल ओ जरूर है लेकिन हिंदी में बोलते हैं तो इसमें ऊ छोटे की मात्रा का उच्चारण होता है, और ये फोनेटिक सिंबल है यू की तरह से दिखने वाला गुड। शूट, शूट को शूट नहीं बोलेंगे हम, शूट बोलेंगे, बड़े ऊ की मात्रा है तो इसमें हम यू के साथ में दो विसर्ग लगा देंगे तो बड़े ऊ का उच्चारण होगा। ठीक आगे बेड, बेड में ए की मात्रा, इसमें ई को ए मान लिया गया है, बेड ई। टीचर, अब उसमें दिखाने में ई को उल्टा दिखा दिया गया है, इंग्लिश से जस्ट उल्टा है लेकिन इसमें ए की मात्रा का थोड़ा सा रूप दिया गया है, टीचर टीचर ट
टीचर, टी छे छे, ए की मात्रा नहीं है की मात्रा है टीचर। इसके अलावा आगे जो बर्ड है, बर्ड को हम थ्री और विसर्ग, तीन होते हैं और उसके साथ दो विसर्ग का और जो सिंबल दिया गया है बर्ड, ए की मात्रा ए और आर, ए और रे दोनों को हम साइलेंट स्वर में यूज़ किया गया बर्ड, बर्ड, आर को नहीं बोलते हुए साइलेंट करते हुए बर्ड, बर्ड, बर्ड नहीं बर्ड। डोर, डोर, डोर इसमें डूअर, डूअर, आर को साइलेंट करके बोलिए और डूअर, डूअर, उल्टा सी दो विसर्ग की बिंदी डूअर, डोर, डोर नहीं बोलेंगे डोर, डोर। इसके अलावा खेट, खेट में ए और ई को दोनों को कंबाइंड लिखा गया है सिंबल में खेट, खेट ए को थोड़ा सा ए और ई दोनों से मिक्स करके लिखा गया जैसे खेट, खेट, रेट, मेट, चेट, इस तरह से इसका उच्चारण और भी वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। ये एक ही तरह से उल्टा बनाया गया है लेकिन इसके बीच में कोई लाइन नहीं है, इसको हम अप, सप, सट, कट है ना, बट, इस तरह के उच्चारण में इसका यूज करेंगे। अप, इसमें ए पे ज़्यादा फोकस है, स्ट्रेस है। नेक्स्ट है फार, फा, आख पे को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देते हुए फा, रे को साइलेंट फा। लास्ट में ऑन, ऑन, ओ चंद्र बिंदु की तरह से यूज करते ऑन, ऑन। तो ये हमने थोड़ा समझाने की प्रैक्टिस किया गया है। हम हिंदी भाषी अंग्रेजी भाषा को बोलते वक्त थोड़ा सा हमारा जो लहजा है, टोन है, रिद्म है, उसको हमें देखना पड़ता है। और जो स्टूडेंट्स प्राइमरी टाइम में जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं उनके लिए फोनेटिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगले चार्ट में हमने ये क्वेश्चन की कि किस प्रकार से सिंबल्स फॉर ट्रांसक्राइबिंग वोवल्स इन इंग्लिश, थोड़ा सा उसी चीज़ को हमने एक अलग से, अलग नए तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की। जैसे वोवल्स दे दिया है, फर्स्ट रो में आई डबल बिंदु के साथ में डबल बड़ी ई की मात्रा, ई सी सी सी, लिखने में एस आई दो बिंदु सी, आई सिंगल है, आई एनी फेन, एनी एनी एनी, इस तरह से लिखेंगे एनी। सिट छोटी की मात्रा सिट सिट सिट, ए ए हेट हेट हेट, ई की मात्रा टेन टेन, हा की मात्रा आम आम, रे को साइलेंट करते हुए कप ए अप अप कप खप, ओ सो सो, यू गोट सॉरी ओ गोट गोट, ए फ बर्ड खर्ड फर्ड, ए एगो एगो, अगेन अबाउट, अलाइव अलोन, यू बड़े ऊ की मात्रा टू शू फ्यू, ऊ छोटे मात्र फुट कुट शिट एटसेट्रा। वोवल्स स्वरों को भी हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, फिट फिट पेट पोट बट बुक मदर बीन बर्न फर्न बोन बून बाइट पेट बॉय टो हाउस पुअर ईयर एयर। कॉन्सोनेंट्स व्यंजन के लिए कुछ वर्ड्स दिए गए जिसमें हमें केवल केवल व्यंजन में ध्यान देना, वोवल्स में नहीं। जैसे पेन पेन, बेड टी टिट, केट सी के केट, गोट चेन जेम, फूल वेन थ,
within this. So, you, su, vision, hat, man, new, sing, leg, red, yes, wait. इस टेबल में हम कुछ देखते हैं कि हिंदी के जो वर्ड्स हैं उनको साथ में कंपेयर किया गया, ख छ थ थ फ र स ज क्ष ग ज ड द ब र स क्ष घ झ ढ ध भ ल गया। कुछ प्रैक्टिस भी बताएगी फ्रंट प्रैक्टिस एग्जाम में किस तरह से इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कोई वर्ड दे दिया गया उसको लिखना है, ट्रांसक्रिप्ट करना है। एग्जाम में 5 से लेकर 10 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट इज द फॉलोइंग वर्ड्स इन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। हीट हिट, स्ट्रोक स्ट्रोक, फेज फेज, शंप शंप, लूनी लूनी, श्रिंक टॉक, अटेंटिव, फ्लफ फ्लिफ फ्लफ, रेत। कुछ ट्राई वर्ड्स और की जैसे एनिमल्स को हम ले लेते हैं। नाउ ट्राई द सेम फॉर द फॉलोइंग एनिमल्स एट हॉल सर्किल इन स्टॉप कॉन्सोनेंट्स। एलिफेंट 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 एलिफेंट, हिना मंकी monkey, giraffe, gorilla, wombat, kangaroo, zebra, gopher, vampire bat. इस प्रकार से हमने देखा कि इस प्रकार की फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, पहले हमें फोनेटिक्स की डेफिनेशन आनी चाहिए कि फोनेटिक्स एक साइंटिफिक स्टडी है स्पीच साउंड्स की। फिर इसमें हमारे जो लिप्स हैं, हमारे जो टीथ हैं, हमारे जो डायग्राम है, हमारा जो लेरिंग्स है, ग्लोटिस है, वोकल कॉर्ड्स हैं, इनका क्या रोल है था? उसके हिसाब से कैसे हम बोलते हैं। कई वर्ड्स को बोलते वक्त हमारी जो टंग है वो आगे पीछे ऊपर नीचे जो हरकत करती है, तो उससे कौन से वर्ड्स निकलते हैं, कौन से वर्ड्स को हम अवॉइड कर सकते हैं। लाखों वर्ड्स हैं ऐसे, आप प्रैक्टिस करेंगे। इट लुक्स वेरी डिफ़िकल्ट बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। दिखने में बहुत कठिन दिखाई देता है लेकिन जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और इसके अलावा कुछ नेसल साउंड हैं। नेसल्स में जैसे हम नाक से बोलते हैं कोई वर्ड्स, सिंग रिंग किंग जिंग ही। कुछ वर्ड ऐसे जैसे उसको हम वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स दोनों से एक साथ प्रैक्टिस करके बनाते हैं। इसमें और भी बहुत कुछ बातें हैं जैसे सिलेबल्स के बारे में आपको बताया जाएगा। कुछ पार्ट्स ऐसे हैं कि उनकी स्पेलिंग हम डबल वोवल्स का साथ में प्रयोग करते हैं या डबल कॉन्सोनेंट का एक साथ प्रयोग करते हैं, उससे उनकी जो इंटोनेशन है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसलिए फोनेटिक्स की प्रैक्टिस हमें करते रहना चाहिए। सबसे पहले हमें जैसे बचपन में फर्स्ट क्लास में हम ABCD सीखते हैं, A to Z 26 लेटर सीखते हैं, हिंदी में हम करीब 21 लेटर सीखते हैं, ऐसे ही हमें इंग्लिश में 44 साउंड्स में 24 जो वोवल्स के साथ जो कॉन्सोनेंट हैं जिसमें प्योर वोवल्स हैं, डबल वोवल्स हैं जिसको हम EI AI OU डबल एक साथ वोवल्स को सीखते हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी होगी। हमें वर्ड्स बनाने होंगे, एक एक वर्ड्स, हर पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको प्रैक्टिस करना होगा, हर एडजेक्टिव को एडवर्ब को भी आपको इसमें कन्वर्ट करके लिख सीख सकते हैं। हम अपने नाम, बर्ड्स के नाम, एनिमल्स के नाम, फैमिली मेम्बर्स के नाम को भी ट्रांसक्रिप्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि the way in which you want to convert the
language the transcription of words into a perfect one. That's called phonetic transcription. Thanks, students, for your nice cooperation. Thanks.